सलमान खान, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स का नाम आज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले एड फिल्म्स में काम किया है। नमस्कार, मैं हूं नव्यान श्रीवास्तव और चलिए नज़र डालते हैं स्टार्स पे जिन्होंने इंडस्ट्री में रूल करने से पहले एड से की थी शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सबके भाई जान सलमान खान की। ये बात बहुत कम लोगों को ही पता है कि सलमान 1983 में कैंपा कोला की एक एड फिल्म में नज़र आए थे। इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ की वाइफ आयशा श्रॉफ भी थी। इसके बाद सलमान ने साल 1988 में बीवी हो तो ऐसी से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म के एक साल बाद उन्हें मैंने प्यार किया ऑफर हुई, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया और अब तो दुनिया सलमान खान की दीवानी है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन की। 1980s में ऐश्वर्या राय एक पेंसिल के एड में नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने आमिर खान के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक का एड भी किया था, जिसके बाद उन्हें उनकी फर्स्ट फिल्म इरूवर मिली थी। आपको बता दें कि इरूवर को मणि रत्नम ने डायरेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लान बॉय और कॉम्प्लान गर्ल, यानी कि शाहिद कपूर और आयशा टाकिया की। 1990 में शाहिद कपूर और वांटेड फेम आयशा टाकिया को कॉम्प्लान के एड में देखा गया था। शाहिद कपूर ने इसी एड से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2003 में रोमांटिक कॉमेडी इश्क विक्स के साथ फिल्मों में डेब्यू किया। वही टार्ज एंड द वर्डन कार आयशा की पहली फिल्म थी। ये पिक्चर साल 2004 में आई थी। आखिर में बात करेंगे बॉलीवुड की लीला यानी कि दीपिका पादुकोण की। साल 2004 में दीपिका ने एक टूथपेस्ट ब्रांड की एड फिल्म में काम किया। कहा जाता है इसी एड से उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली थी। इसके बाद 2007 में उन्होंने शाहरुख खान की साथ फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में डेब्यू किया और आज वो बॉलीवुड की वन ऑफ द लीडिंग लेडीज में गिनी जाती हैं।